हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि हेडलाइट का मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, और ये बहुत सिंपल चीज़ है करने के लिए। थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत अच्छे से ये कर सकते हैं आप। ये इस तरह से हेडलाइट का आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, तो ये मैंने कैसे किया, तो हेडलाइट को जो है ना, इसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा बाहर लिया, स्पेस बढ़ा दिया है। अब ये क्यों बढ़ाया है, इसका मैं आपको रीज़न देता हूँ। सबसे पहले तो है ना, ये वाला जो मॉडिफिकेशन मैंने किया ना, ये आप किसी भी राउंड हेडलाइट वाले बाइक पर आप कर सकते हैं। मतलब आपके कोई भी बाइक में अगर राउंड हेडलाइट अगर ऐसी है, तो उसमें आप ये टाइप का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये तो ये है मेरी यामा RX 135, और इसको जो मैं इसमें जो एक्चुअली जो ओरिजिनल हेडलाइट जो आती है ना, वो छोटी आती है। मैंने जो है 7 इंच वाली हेडलाइट मैंने लगाई है। और ये जो आप देखेंगे ना, ये कान, ये पल्सर का है, ओल्ड पल्सर जो आती है ना उसका है। और जो पीछे वाला जो डूम है ना, ये भी ओल्ड पल्सर वाला ही है, सिर्फ ये रिफ्लेक्टर जो है ना थोड़ा सा अलग है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले रीज़न क्या है इसको बाहर लेने का, तो दो रीज़न है। एक तो खाली ये आपको ना थोड़ा सा लुक आपको देगा, थोड़ा सा शो ऐसा देगा कि भाई हेडलाइट थोड़ा सा अलग दिख रहा है, थोड़ा सा मतलब हटके एकदम दिखेगा। और सेकंड रीज़न ये था ना कि ये जो रिफ्लेक्टर है ना, ये DRL वाला रिफ्लेक्टर है। इसको मैं ऑन करके आपको बताता हूँ। ये देखें, तो ये जो है ना, ये DRL वाला रिफ्लेक्टर है। ये मुझे एक्चुअली OLX पे से मुझे मिला था, तो ये काफ़ी सस्ते में मुझे मिल गया था। ये मुझे पसंद आ गया तो मैंने ले लिया था। तो इसका जो डीपनेस है ना, ये एक्चुअली बहुत काफ़ी बड़ा है। जो पहले मैंने यहाँ पे मैंने ना क्लासिक 350 का लगाया था, लेकिन उसका जो डीपनेस जो था ना, वो छोटा था। ये हेडलाइट का जो डीपनेस है ना, बहुत बड़ा है। तो होता क्या था, जो ओरिजिनल फिटिंग में ना, तो इसका जो पीछे का जो होल्डर है ना, वो प्लास्टिक को पीछे की साइड पर टच हो रहा था। तो उसको मुझे बढ़ाने का था, तो बढ़ाने के लिए मैंने ये जुगाड़ लगाया था। ये मैंने फिटिंग करवाया मैंने इसको ऐसा। तो ये देखिए, ये सामने से कैसा दिखाई देता है। तो इसको ना डायरेक्ट इग्निशन पे मैंने डाल दिया है मैंने DRL को। तो जैसे चाबी ऑन करेंगे ना, तो ये ऑन हो जाता है। ये अपना अभी है ना, हेल्ला कंपनी में भी, हेल्ला कंपनी का रिफ्लेक्टर अगर आप लेंगे ना, उसमें भी आपको ऐसा वाला DRL वाला आता है। बाकी क्लासिक 350 वाले का जो रहता है ना मिंडा का, उसमें आपको नहीं मिलेगा। हेल्ला कंपनी का अगर लेंगे ना, उसमें आपको ऐसा DRL वाला आपको मिलेगा, वाइट DRL। ये कंपनी फिटेड DRL है, ये अलग से कुछ नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैंने इसको बढ़ाया कैसा है, तो ये मैंने लिया है, ठीक है। अभी ये जो स्पेसर आप देखेंगे ना, ये एक्चुअली डोम है। ये जो क्लासिक 350 के हेडलाइट पर जो एल्यूमिनियम की जो डोम आती है ना, जो वही वाली डोम है ये। उसको लेके उसको मैंने आगे से कट किया था, और कट उसको मैंने लेथ पे करवाया था। लेथ पे जो उसको प्रॉपर उसको कटिंग करवा के, और ये जो रिंग है ना, ये पल्सर वाली रिंग है, ओल्ड पल्सर की जो रिंग आती है ना वो है, उसको जो इसके ऊपर फिटिंग करवाया था। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने इस पर ना 6 होल किया हुआ है। 3 होल जो है ना इस तरफ है, यहाँ पे होल है इधर, एक होल इधर है, ये 2 उधर है, तीसरा उस तरफ है। और सेम उसके अपोजिट साइड पे यहाँ पे 3 होल है, इधर एक है, ये 2 है, और उस तरफ भी वैसा ही होल है। तो ये टोटल 6 होल किया था, और ये ऐसा फिटिंग किया था। तो यहाँ पे एक्चुअली जो ओरिजिनल फिटिंग है ना, वो इस पे होता है। अगर आप क्लासिक 350 का देखेंगे ना, तो ये उसके लिए दिया हुआ था, लेकिन ये मैंने चेंज कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली होल करना पॉसिबल नहीं था, ये ख़राब भी हो सकता था। तो मैंने ये नहीं किया था, मैंने नया होल यहाँ पे मारा था। ये देखें, ये एक होल मैंने किया इधर, और ये दूसरा। अभी ये जो रिंग की जो फिटिंग होती है ना, इसमें भी खाली है ना 2 ही पट्टी होती है, लेकिन मैंने एक पट्टी मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाई थी। एक पुरानी एक और रिंग मेरे पास थी, तो उसका जो क्लैंप होता है ना, वो तोड़ के मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा गैस वेल्डिंग करवा दिया था। ये मैं आपको ओपन करके भी मैं आपको बताता हूँ। और बाकी ये जो पीछे का जो प्लास्टिक डोम जो आपको दिख रहा है ना, ये पल्सर वाला ही है। मतलब आप इसमें कोई भी ले सकते हैं, आप CD डाउन वाला ले सकते हैं, या तो पल्सर वाला ले सकते हैं। तो ये पल्सर वाला ही डोम है, 7 इंच वाला पल्सर का डोम है प्लास्टिक का, उसके ऊपर ये फिट हुआ है। और ये जो रिंग है ना, ये रिंग मैंने इसके ऊपर फिट किया है। तो रिंग के बाद में मैंने कलर कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर जब गैस वेल्डिंग करते हैं ना, तो ये ख़राब हो जाता है, यहाँ से कलर चेंज हो जाता है। तो इसलिए बाद में मैंने इसको जो ना पूरा फुल ब्लैक कर दिया था, ये और ये फुल ब्लैक कर दिया था। तो ये जो है ऐसा मैच हो जाता है। तो ये देखिए, ये कुछ है ना इस तरह से आपको ऐसा दिखेगा फाइनल। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से ऐसा दिखाई देता है, और काफ़ी अच्छा भी दिखता है, क्योंकि ये बाहर आता है ना, तो इसका लुक थोड़ा सा एकदम अलग ही चेंज हो जाता है। तो मैं आपको ना ये ओपन करके भी मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से कैसे दिखेगा, और इसको जो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा फिटिंग करवाया ना, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये बस सिंपल है, ये जो रिंग है ना, ये पल्सर वाली रिंग है, जो ओल्ड पल्सर 150 आती है ना, ये उसकी रिंग है। जो पीछे का डोम है ना, वो भी पल्सर वाला है। खाली ये जो है ना, ये क्लासिक 350 वाला है, जो हेडलाइट ग्रिल जो आती है ना, वही है। उसको आगे से कट कर दे के यहाँ पे इसको मैंने फिटिंग करवाया है,
और बाकी जो रिफ्लेक्टर है ये एक्चुअली आफ्टर मार्केट रिफ्लेक्टर है। मैंने यहाँ पे पहले क्लासिक 350 का डाला था लेकिन उसमें ऐसी DRL नहीं आती है तो मैंने चेंज करके ये किया। हालांकि ये जो रिफ्लेक्टर है ना ये एक्चुअली इसका आउटपुट इतना अच्छा नहीं है, सिर्फ इसका DRL काफ़ी अच्छा दिखता है इसलिए मैंने इसको रखा है। बाकी इसका जो लाइट का जो थ्रो है ना इसका जो अंदर का फिल्टर ये इतना अच्छा नहीं है क्योंकि अंदर से देखिए ख़राब भी हो गया। यहाँ पे साइड से अगर आप देखें ना इस बल्ब के पास वो एक्चुअली काला भी हो गया वहाँ पे। तो मैं अभी इसको ओपन करके मैं आपको बताता हूँ अंदर से ये कैसा दिखाई देगा। ये रिंग कैसी है अंदर से वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए ये ऐसा है। तो यहाँ पे जो है ना ये वाला एक्स्ट्रा वेल्डिंग किया था यहाँ से, इधर से ये वाला एक्स्ट्रा वेल्डिंग किया। बाकी ये दो ओरिजिनल है, ये एक और ये दो ओरिजिनल था। तो एक मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा किया है। ये देखिए यहाँ पे ये होल है और ये देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से फिटिंग किया है। तो ये जो है मैंने पल्सर का 220 का जो वाइज़र के जो स्क्रू होते हैं ना वो मैंने लिया है। तो एक यहाँ पे ऐसे फिटिंग किया है, एक इधर है और यहाँ पे ऊपर मुझे एक एक्स्ट्रा होल करना पड़ा। ये देखिए इधर, तो यहाँ पे ऊपर के साइड पे एक एक्स्ट्रा होल किया हुआ है, वैसा किया है। और ये बस खाली पूरा ऐसा जुगाड़ सिस्टम है। और ये जो एक्चुअली इसका जो डिपनेस है ना ये ऐसा हाइट देखेंगे ना ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, ये क्लासिक 350 से भी बड़ा है। तो ये जो हेडलाइट का जो होल्डर है ना पीछे टच हो जाता है इसलिए मैंने जो है इसको ऐसा ही जुगाड़ करके थोड़ा सा बाहर लिया हुआ है। तो ये देखिए ये कैसे बाहर आ जाती है इतनी, ये देखिए ये इतना यहाँ से ये इधर तक जो है ना ये ऐसा बाहर आ जाता है। इतना आपको जो है ना 1.5 इंच जितना आपको जो है ना गैप मिल जाता है बाहर आ जाता है। तो ये एक बेनिफिट वाली मिलता है। तो ये खाली पूरा जुगाड़ वाला काम है और आपको जो है ना लेथ पे आपको करवाना पड़ेगा कटिंग इसका, क्योंकि आप अगर इसको ग्राइंडर से करेंगे ना तो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको लेथ में आपको करना पड़ेगा तो प्रॉपर फिटिंग आपको मिलेगा। तो ये फाइनल लुक देखे कुछ इस तरह से दिखाई देगा, दूर से आप देखेंगे ना तो इसको ऐसा दिखेगा। मैं इसका DRL वापस एक बार ऑन कर लेता हूँ और यहाँ से आप देखेंगे ना दूर से तो ये देखिए ऐसा है। तो ये काफ़ी अच्छा दिखता है जब भी अगर आप इसको हेडलाइट का ऐसा मॉडिफिकेशन करेंगे ना तो थोड़ा सा काफ़ी अच्छा दिखेगा, थोड़ा सा बाहर तक आएगा और थोड़ा सा लुक पूरा चेंज हो जाएगा। तो ये मास्क भी इसको एक्चुअली थोड़ा सा भी आगे लेना बाकी है, इसको भी थोड़ा सा आगे लेना है, यहाँ तक इसको आ जाएगा थोड़ा वो भी और अच्छा दिखेगा। मतलब हेडलाइट के लेवल पर अगर आएगा ना तो ये भी काफ़ी अच्छा दिखेगा। ये आफ्टर मार्केट वाला है, ये हिमालयन का वाइज़र है ये। तो ये पूरा ऐसा क्लैंप ऐसा फिटिंग के साथ में आता है ये वाला। एक बार वापिस आपको दिखा देता हूँ सामने से, ये देखिए ऐसा और ये ऐसा साइड लुक, ये थोड़ा ऐसा आपको मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अगर आपको करना है तो इजी है, ये आपको क्लासिक 350 के हेडलाइट के ग्रिल लेके आपको काम करना है और लेथ पे जो है ना आगे का साइड पे जो इसकी ग्रिल होती है ना वो कट करने की, इसके लेवल तक आ जाएगा ना वहाँ तक उसको रखना है और ये आपको एक्स्ट्रा होल मार के आपको ऐसा करने का है। और ये जो है ना मैंने पल्सर 220 के वाइज़र के जो स्क्रू होते हैं ना वो वाले मैंने लिए हैं क्योंकि इसका प्रॉपर फिटिंग हो जाता है और ये दिखने को भी अच्छा दिखेगा। आप इसमें यहाँ पे एलिंग की भी आप डाल सकते हैं जैसा आपको चाहिए, लेकिन इसका जब भी काम करेंगे तो बहुत संभाल के काम करना क्योंकि ये क्या है ना इसका थिकनेस बहुत पतला होता है तो टूटने के भी चांसेस होते हैं, तो आप एकदम आराम से काम करना है। ये वाला मैंने सेकंड में लिया था, मैंने भंगार में से स्क्रैप से मैंने लिया था क्योंकि पूरा सेट लेने जाएंगे तो अपने को कुछ काम में नहीं आने वाला है, तो मैंने ये जो है स्क्रैप से मैंने लेके किया था ऐसा। तो ये पूरा 7 इंच की हेडलाइट है ये पूरा। अभी इसका जो है इसमें भी थोड़ा सा कुछ और आगे अपन दूसरा कुछ मॉडिफिकेशन और करने वाले हेडलाइट का, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपन वो करेंगे और उसका भी मैं आपको वीडियो बनाते जाऊंगा। तो ये देख लीजिए एक और बार फाइनल लुक ऐसा है।